ना उतर ही बोले तो बोले मेरी शर्तें हैं कछु शर्तें। रानी कहने लगी स्वामी इनसे पूछ लो जो भी शर्त कहेंगी वो मुझे मंजूर है। बोले सुना हम ऐसे जब डोला से उतरवे वाली ना आए बोले तो बोले सुना ना सब शर्तें मंजूर हो तो। रानी कहने लगी तुम्हारी सब शर्तें मंजूर हैं कहो तो। बोले सुना सुना ना हाँ अरे हम तभी उतरे डोला से ओ पहले जसोतों को देव तभी उतरे डोला से पहले भक्तन बनकर के चिड़िया घर में रहना चाहती है ऐसे नहीं रहेगी। बोले तो बोले सुना ना ए सोत चूने की बुरी चेहरे की छुरी सुना मेरे साईया जय कर से देव ने कार परवा तेरे पाईया शादी करके तेरे संग में दीने बादर पार तभी उतरी डोला से पहले जसोद पदेव ने कहा और शर्तें अभी तो कुछ नहीं हुआ सुना ना जे राशि वस्त्र पहने हाँ ये मोतियों से जड़ी हुई चुनरी डाले घूम रही हो महारानी बनी सुना ना ऐसा ना रहे बोले कैसे बोले सुनो ए फटे पुराने कपड़ा पहनो फटे पुराने कपड़ा पहन हाँ ये साड़ी पहने हो महारानी बनी घूम रही हो हाँ इसे हटाओ हाँ ए फटे पुराने कपड़ा पहनो फटे पुराने कपड़ा पहनो जे दर दे वस्त्र उतार तभी उतरे डोला से पहले जसोद पदेव ने कहा और सुना महारानी बनी घूम रही हो ऐसे ना है ऐसे नहीं अरे सुना ना ये फटो बांस एक हाथ में दे दे फटो बांस एक हाथ में दे एक बांस ले आओ फटो बहु बोले तो बोले जा महल पे सब काग बड़ा रहेगी ये फटो बांस एक हाथ में दे दे फटो बांस एक हाथ में दे जब डारेगी जाका तभी उतरी टोला से पहले जसोद पदेव ने कहा। महाराज जवाब दिया इस घर में मैं तब रहूंगी या फिर ये डायन रहेगी या फिर मैं रहूंगी। मेरी कथा की प्रेमी सज्जनों मैया सुदीत कहने लगी मैया सुदीत बोली स्वामी इनकी सब शर्तें हमें मंजूर हैं अब आप चिंता मत करो भारे समय माताओं भारे समय आज वो माँ रोती है आंखों से अश्रु की धारा बहती है फटे पुराने कपड़ों को पहन लिया कपड़ों को पहन करके माताओं वो मैया चली अपने पति के चरणों में प्रणाम किया स्वामी स्वामी अगर थोड़ा भी फुर्सत मिल जाए तो मेरे झोपड़ी की ओर चले आना। मेरे श्रोताओं बारिश समय थोड़ी देर पहले माताओं कितना अच्छा समय था रानी बनी घूम रही थी और थोड़ी देर के बाद माताओं बेकार नहीं बन गई। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों रानी ने प्रणाम तो कर लिया चली जवाब दिया भी नहीं जाओ इधर आओ बोले क्यों
बोले अपने पति ते कसम खवाओ मेरी, बोले सोते घर नहीं जाओगे तिरवाचा भर जाओ। उत्तान पाद तिरवाचा भर गए, बोले सोते घर कभी नहीं जाऊंगा। बारे समय आज वो रानी जब चली है माताओ, रोने लगी स्वामी। उत्तान पाद कहने लगे रानी तुमने नहीं मानी मेरी बात, अगर तुम मान लेती ना तो ये देखने के लिए दिन नहीं मिलता। महाराज कि समय पे दुर्जन संग, समय सत्संग करावे, समय बढ़ावे खर्च, समय धनवान बनावे, समय पे पाड़े रोग, समय सब रोग मिटावे, समय पे होबे मिलना, समय पे छुड़न करवावे। मेरी श्रोताओं आज वो माँ चली, और चली तो माता वो कहां पहुंची, एक झोपड़ी में जाकर के वो मैया रहने लगी। बारे सभी वही माँ सुनी थी झोपड़ी में रह रही है, पति के बगैर दर्शन किए भोजन ग्रहण नहीं करती थी माताओं, पति की याद तो आती है लेकिन कलेजे पर पत्थर रख करके सो जाती है। याद करूं तो करूं कैसे, और करूं तो मेरे सामने तो आ नहीं सकते। मेरे श्रोताओं मां रोती है मन में विचार करती है दीन बंधु भगवान। एक दिन मन में विचार आया मेरे पति के दर्शन दुर्लभ है, मेरे हाल चाल पूछने वाला भी कोई नहीं, अब मैं क्या करूं। एक बात और बता दे श्रोताओं, मनुष्य जिस दरवाजे की ओर जाए वो दरवाजा बंद नजर आए, और जिसकी ओर जाए वो मुख मोड़ता हुआ नजर आए, तो सिवाय सिर्फ मौत के अलावा कोई रास्ता दूसरा दिखाई नहीं देता है। आज आधी रात के समय मैया मन में विचार करती है, स्वामी तुम्हारी बगैर आज्ञा से मैं कहीं नहीं गई, लेकिन आज मैं जा रही हूं, माफ कर देना मैं मर जाऊंगी, अंतिम श्वास से अपनी अंतिम लीला यहीं पर समाप्त कर दूंगी। माताओं आज आधी रात के समय वो मैया मरने के लिए चली है, कि बन जाते ही लाखों दोस्त हो जब पैसा पास होता है, गरीबी में रिश्ता वो टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है। आज वो मां मरने के लिए चली है श्रोताओं, अरे आधी रात के समय हो बदुखिया अरे मरवे को दाई। आधी रात के समय वो मां मरने के लिए चली, अरे आधी रात के समय पादुकिया मरबे को दाई, कभी पति की बगैर आज्ञा से मैं नहीं गई, लेकिन हे पति परमेश्वर मुझे माफ कर देना। अरे लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो, अरे लिखो जो ब्रह्मा ने
पोथी। मेरी सांची मानो पात कफन में जीव